कॉल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आईटीसी बागमारा ब्लॉक लेंबा उमिजुलिन एसमारक कुमु प्रेसिडेंट हकाकत प्रातरिक वेयोंग आरजार पुसाव कला उजोर दक एजाहार बागमारा पुलिस स्टेशन साउथ गरुहेल सालोर का जिंगसफ्रियांग की जिंगथो की बथोक हकी लेटर हेड डॉक्टर मुकुल संगमा एमएलए का संगसंग डाक बकडो बकिनी की जिंगपिन सफ्रियांग का लोंगबन यलम बकला की पाइबा हाशवा का जिंगथेप बोर्ड हक इलेक्शन एमपी का ए जहार कला कदो बट कनो बो ब्रियो बदन खती बन ले इकनी कम दे यू ऑल डू ए संगमा एमडीसी सुसी एक एनबीपी हाजी एचडीसी लम की वे पात उने नोंग यलम का एआईटीसी नबक मारा उलाकन तु की बोर का आइन मन सिमख्या यकने कुमन शुगदो बाहा का जन्मे खरप्रात्रिक वे योंग आरजार पुसाव की रुयु सिम कबु की ला प्रशांग बन वनरा जिंगपन क्लुमार जिंगमुत की नोंग थेब बोट हाक बाला पन सप्रियांग यक वे कशी थी हाकी रनसान सोशल मीडिया कतई गलते हेड कबलाथो लकदो बकदे जोंग डॉक्टर मुकुल हका खतवे तरे कुलाल कोट आरजार हुसाव कलो अंग बम उल लम सांगुत के एमएलए का ट्रेमल कांग्रेस बट सांगुत के एमएलए वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी की क्वा बन पनिया सो शाका बीजेपी जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ एक दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आँखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।